सुन्दर श्रेष्ठ पेशागत रूप में शिव श्रेष्ठ भनेर चिनिन्छन्। एक नेपाली अभिनेता हुन् जो एक्शन फिल्महरूमा आफ्नो कामका लागि परिचित छन्। उनी नेपाली चलचित्रका एक्शन किङका रूपमा परिचित छन्। उनले जीवनरेखा चलचित्र 1982 डेब्यू गरेका थिए। भिलेनको रोल गर्न गएका शिवश्रेष्ठलाई हिरोको अफर गरियो र भुवन केसी र समुजित बास्कोटालाई उछिन्दै उनी नायक बन्न पुगे। आसमान से गिरा है या समंदर की लहरों ने तुझे मौत के सामने धकेल दिया है? मौत से खेलना मेरी पुरानी आदत है और मुजरिमों को पकड़ के इनाम देना मेरा पेशा। कानून ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा है, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इसलिए कि मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। कानून तुम्हें मौत दे या जिंदगी, ये उसका काम। समंदर से निकले हुए इस बेवकूफ को उठाकर समंदर में फेंक दो, ताकि इसी तैरती हुई लाश देखकर कानून के दिल में काशा को गिरफ्तार करने की हसरत दम तोड़ दे। मैं तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकता हूं।
बहादुर हो, इसलिए जाने देता हूँ। र उनको चलचित्रको यात्रा अघि बढ्यो। फिल्म व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै सफल रह्यो र त्यस बेलादेखि उनले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। बदलिदो आकाश 1984, कान्छी 1984, विश्वास 1986, चिनो 1989, मनोकामना 1991, मिलन 1993 सहित धेरै व्यावसायिक रूपमा सफल फिल्महरूमा अभिनय गरेका छन्। धर्मसङ्कट 1998 र ठुलदाई 1999 आदि उनका सफल चलचित्रहरू हुन्। 1980, 1990 र 2000 सुरुवातमा उनले दिएका हिटहरूका कारण उनलाई फिल्म उद्योगको दोस्रो स्तम्भ भनिन्छ। शिवसुन्दर श्रेष्ठको जन्म जुन 20, 1961 काठमाडौँको किलागलमा भएको थियो। तर उनको बुबाको जागिरका कारण उनी विराटनगरमा हुर्किन पुगेका थिए। विराटनगर रहँदा उनले हलमा टिकटको ब्ल्याक समेत गर्दथे। ल यसरी हलको टिकट ब्ल्याक गर्ने केटो आखिरमा फिल्मको हिरो बन्न पुग्यो। नायक शिवश्रेष्ठका अनुसार उनी नायक बन्न चाहँदैनथे, उनी पाइलट या इन्सपेक्टर बन्न चाहन्थे। तर दुवै उनको इच्छाहरू पुरा हुन सकेन र भाग्यले उनलाई जुन पैसा मन पर्दैनथ्यो त्यही पैसामा आबद्ध गरायो। उनलाई ठुलदाई भनेर पनि चिनिन्छ र उनी पेसामा अभिनेता र निर्माता पनि हुन्। उनी 1982 वर्तमानसम्म सक्रिय छन्।
श्रेष्ठले पाकिस्तानी चलचित्रमा पनि अभिनय गरेका छन्। उनले एक दर्जन भन्दा बढी उर्दू फिल्महरूमा अभिनय गरेका छन्, जसमध्ये 7 व्यावसायिक रूपमा निकै सफल भएका छन्। उनी सन् 2016 चलचित्र बागमतीबाट नेपाली चलचित्रमा फर्किए, जहाँ उनी राजेश हमालसँगै देखा परेका थिए। 2018 उनले एक फिल्म घोषणा गरे, एउटा यस्तो प्रेम कहानी, जसलाई उनले लेख्ने, निर्माण गर्ने र उनको छोरा शक्तिलाई अभिनय गरेका थिए, जसले यस फिल्म मार्फत डेब्यु गरेका थिए। श्रेष्ठ आफै मुख्य भूमिकामा देखिएका थिए। जीवन रेखा, कान्छी, विश्वास, बदलिदो आकाश, चिनो, संकल्प, मिलन, सपना, स्वर्ग, राको, ट्रक ड्राइभर, जन्मभूमि, पछ्यौरी, सक्कली नक्कली, अग्नि परीक्षा, धर्मसङ्कट, ठुल्दाई, लक्ष्मण रेखा, 16 जोबन, मामा घर, मालती, नातेदार, मेरो हजुर, जेठो कान्छो, देशद्रोही, राजो राजाराम, युद्ध, मिस्टर डन, रणसंग्राम, राज, कार्य, बागमती, डन्डाको बरपिपल, प्रेम गीत 3 हुन्। से प्यारों को छोड़ के नहीं जा सकता। और कौन है तेरा इस दुनिया में? कौन है इस दुनिया में जिससे तू प्यार करता है? बस्ती के वो सारे गरीब मेरे अपने, जिन्होंने बारी बारी मुझे अपने गोद में पाला है। मैं बच्चा था जब दरिया ने मुझे एक पत्थर की तरह किनारे पर फेंक दिया था। इस बस्ती के गरीबों ने मुझे फूल की तरह पाला है। मैं तेरा प्यार लेकर इस बस्ती में रहूंगा। ये बस्ती मेरी माँ भी है और बाप भी। तुम्हें 10 की मदद दी जाती है। जो कुछ उठाना है उठा लो। हमारी कोई नहीं देगी। कोई भी आगे बढ़ेगा कुचल दिया जाएगा। चलो चलो चलो।
होगा तुम पर आसमान गिरा देगा। काल का सेठ साहब मुकदमा जीत चुके हैं, हमें हुक्म मिला है कि ये सब झोपड़ियां गिरा दी जाए। बुलडोजर का पहिया एक इंच भी आगे बढ़ा तो कसम है गरीबों के आंसुओं की, तुम सबको यही दफन कर दूंगा। काल का हम तो हुक्म के गुलाम है, तुम हुक्म के गुलाम। श्रेष्ठ धेरै पाकिस्तानी उर्दू फिल्ममा देखेका छन्। उनको 5 वर्षको अवधिमा उनको कार्य र नृत्य कौशल पाकिस्तानी दर्शकहरूमाझ लोकप्रिय थियो। तलको सूचीले उनले खेलेका केही पाकिस्तानी चलचित्रहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। लेडी कमान्डो 1999, ब्याङ्कक के चोर 1986, कानुन 1984, हमसे है जमाना 1984, बाघ 1985, कानून 1985, हम एक है 1987, मजबूत 1993, जमीन आसमान 1994। उनलाई पाकिस्तानी सरकारले बंगला र गाडी दिएर उतै बस्न आग्रह गरेको थियो, तर उनले ती सबै ठुक्राएर नेपाल नै फर्केका थिए। उनले जति संख्यामा नेपाली अवार्डहरू जितेका छन् उत्तिकै संख्यामा पाकिस्तानी अवार्डहरू पनि जितेका छन्। शिव श्रेष्ठ साई बाबालाई मान्ने गर्दछन् र ओम साईराम भनेर उनी अभिवादन गर्दछन्। Shh.